उत्तरी कश्मीर में बर्फीले तूफान और भारी बर्फबारी ने पिछले 48 घंटों में जमकर तबाही मचाई है। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा के मचैल सेक्टर में रिंगबाला इलाके में बर्फीला तूफान आया। 45 राष्ट्रीय राइफल के 5 जवान इस तूफान की चपेट में आ गए। जानकारी मिलते ही सेना ने बचाव कार्य शुरू कर दिया। जब तक जवानों की टुकड़ी बर्फ में दबे सैनिकों तक पहुंचती, तब तक 3 जवान शहीद हो चुके थे। 2 लापता जवानों की तलाश जारी है। वहीं कड़ाके की सर्दी से जूझ रहे जम्मू कश्मीर में सोमवार को हुई बारिश और बर्फबारी ने लोगों की दुश्वारियां और बढ़ा दी हैं। इस दौरान बारामुल्ला, बांदीपोरा और गांदरबल में हिमस्खलन में कई मकान दब गए, जबकि रामबन में एक युवक की मौत हो गई। वहीं रियाशी के खरौड़ी करूड़ इलाके में भूस्खलन की चपेट में आने से एक वैन नदी में गिर गई। इसमें चालक की मौत हो गई, जबकि 3 घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं प्रदेश में 100 से ज्यादा संपर्क मार्ग बंद हो गए हैं। रामबन से मिली जानकारी के मुताबिक जम्मू श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर खूनी नाला इलाके में गिरे पत्थरों की चपेट में आकर एक युवक नाले में गिर गया। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से युवक के शव को नाले से निकाला। उधर रियाशी के माहौर से अरनास की तरफ जा रही एक वैन खरौड़ी करूड़ इलाके के पास पहाड़ से गिर पत्थर की चपेट में आने से बेकाबू होकर नीचे बह रही अंश नदी में जा गिरी। हादसे में चालक की मौत मौके पर ही हो गई, जबकि 2 अन्य सवार वाहन से छिटक कर नीचे जा गिरे, जिनसे उनकी जान बच गई। घायलों को इलाज के लिए PHC धर्माड़ी लाया गया। वहीं जम्मू कश्मीर पुलिस ने बनिहाल इलाके में रविवार से फंसे गुजरात के 160 सैलानियों को सुरक्षित निकाल लिया है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।